दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विद मोहित यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने अपने कॉकटेल बर्ड्स को सेपरेट किया। सबसे पहले हमने कुछ टाइम से कॉकटेल बर्ड को सेट किया, उनको तैयार किया, उसके बाद से उनके लिए खूबसूरत से पिंजरे तैयार किए, ब्रीडिंग बॉक्स बनाए, कॉकटेल बर्ड्स को सेट किया। तो दोस्तों उसके बाद से मैंने कॉकटेल बर्ड्स की कोई भी अपडेट आप सभी को प्रॉपर तरह से नहीं दी कि भाई कितने जोड़ों को हमने अलग किया है, कहाँ किया है और कौन कौन से जोड़ों को हमने सेट किया है और कॉकटेल बर्ड्स के जोड़े कैसे लगाए, क्या पहचान करें कि भाई ये जोड़ा सिलेक्टेड है या इस जोड़े को हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों कॉकटेल बर्ड्स को लेकर आज के इस वीडियो में आप काफी कुछ बातें जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये मेरा बर्ड सेटअप है, मास्टर केजेस है और आप जानते हैं कि वन बाय वन मैंने काफी तरह के बर्ड्स को सेपरेट किया है अच्छी ब्रीडिंग के लिए। इधर हमारे घर की ब्रीड के बजीज पैरेट के पट्टे, काफी पट्टे कॉलोनी में भी निकल चुके हैं तो उनको भी अलग कर लेंगे और यहाँ दोस्तों हमारे कॉकटेल बर्ड्स, इनको अभी भी मैंने शिफ्ट नहीं किया है जबकि ये सेमी एडल्ट और एडल्ट है। दोस्तों मैं कॉकटेल बर्ड्स की एक्टिविटी नोट करता हूँ, उस दौरान मैं देखता हूँ कि कौन सी फीमेल तैयार है ब्रीडिंग के लिए, कौन सा मेल तैयार है और दोस्तों साथ ही देखने वाली बात वो भी होती है कि कौन सा जोड़ा ब्रीडिंग करके कैसे बच्चे निकालेगा, क्या हमें इस जोड़े को अलग करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे नए बर्ड सेटअप में, इस तरफ है 6 पोर्शन का फिंच बर्ड का सेटअप और दोस्तों फिंच बर्ड के अपोजिट साइड में हमने 12 पोर्शन का कॉकटेल बर्ड का काफी खूबसूरत सा सेटअप तैयार किया है। सभी जोड़े वन बाय वन है और धीरे धीरे हम सभी जोड़ों को अलग भी कर रहे हैं। दोस्तों कॉकटेल बर्ड्स में क्या होता है कि जगह चेंज करने के साथ में काफी जोड़े सेट होते हैं, काफी नहीं होते हैं, तो जो जोड़े सेट होते हैं वो वहीं पर पड़े रहते हैं और जो जोड़े सेट नहीं होते उनको हटा के दूसरे जोड़े सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों कॉकटेल बर्ड को सेपरेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अगर एक बार आपके कॉकटेल बर्ड आपके बर्ड सेटअप पर सेट हो जाते हैं उसके बाद तो दोस्तों उनकी ब्रीडिंग का कहना ही क्या, काफी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको पिंजरे का साइज बताना चाहूंगा, ये 3 पोर्शन का पिंजरा है और ऐसे ही दोस्तों 4 पिंजरे हैं, यानी कि टोटल 12 पिंजरे हुए। इनकी ट्रे दोस्तों आप देखें, ये इस तरह से जो है इनकी ट्रे निकलती है, मैं पूरी ट्रे नहीं निकालूंगा क्योंकि दोस्तों इस दौरान बर्ड थोड़े से डिस्टर्ब भी होते हैं। यहाँ दोस्तों हमने कैल्शियम ब्लॉक लगाया है, सेंधा नमक रखा है, ये दोस्तों सीड का बर्तन है, वहां पानी का बर्तन है, सॉफ्ट फूड भी हम इन्हें देते हैं। दोस्तों सॉफ्ट फूड देने के बाद में बर्तन को निकाल लेते हैं, रोजाना बर्तन की अच्छे से सफाई करते हैं और ये सिस्टम दोस्तों आप देखें, ये है ब्रीडिंग बॉक्स। ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ट्रे का सिस्टम है दोस्तों, ताकि सफाई आसानी से कर सके। दोस्तों शुरुआत होती है अंदर एंट्री होने के बाद से, पहले पिंजरे से ऊपर के पिंजरे से। ये जो बैठा है दोस्तों क्रिमिनो का मेल है, आप इसका ताज देखें, इसका साइज देखें दोस्तों। ये जो मेल है ये एल्बिनो का स्प्लिट है, मेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देखें, ये फीमेल जो है वो बाहर निकल चुकी है, ये भी दोस्तों क्रिमिनो है। दोस्तों ये भी जो फीमेल है ये दोस्तों पेचलेस और की स्प्लिट है और इस तरफ अगर दोस्तों बात की जाए तो ये आप देखें दोस्तों मेल स्टिक के ऊपर किस तरह से घूम रहा है। तो दोस्तों ये मेल की पहचान होती है, मेल विजलिंग भी करता है, वो आप देखें, वो फीमेल साथ बैठी है साइड में, ये आप देखें दोस्तों। फाइट का काफी खूबसूरत सा मेल है और पर्ल की फीमेल है, दोस्तों काफी अच्छा जोड़ा है। ये जो मेल है ये भी दोस्तों पेचलेस का स्प्लिट है और दोस्तों ये जो फीमेल है ये भी स्प्लिट है और यहाँ दोस्तों नीचे आप देखें, नीचे भी दोस्तों जो फीमेल है वो पर्ल की है, लेकिन इसके साथ जो मेल है वो दोस्तों क्रीम का है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि फीमेल काफी एक्टिव है, मेल की हमने जगह चेंज की उसके बाद से ये सेट नहीं है, तो इस मेल को दोस्तों पकड़ लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने इस मेल को पकड़ लिया है, तो आप देखेंगे मेल थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि दोस्तों जगह चेंज करने के बाद में काफी बार हम देखते हैं कि बर्ड्स खुद से खाते नहीं है और जब बर्ड्स खुद से नहीं खाते हैं, जगह पे सेट नहीं होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो दोस्तों यहां पर इस मेल को वापस इसी पिंजरे में रिलीज कर देते हैं और यहाँ दोस्तों इस पिंजरे में ये जो सेकंड नंबर वाला जो मेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फर्स्ट नंबर, और इस मेल को दोस्तों हम पकड़ते हैं क्योंकि ये मेल विजलिंग करता है, काफी अच्छे साइज में है। दोस्तों इसकी टेल काफी छोटी है जो कि काफी टाइम में आ जाएगी। दोस्तों टेल की 1 से 2 जो पकी हुई कलियां होती है उन्हें खींचना पड़ता है और कुछ टाइम में टेल जो है वो फिर से नहीं आ जाती है। दोस्तों ये आप देखें, मेल काफी एक्टिव है, काफी हेल्थी है, काफी फिट है और रोजाना विजलिंग करता है और
तो ये दोस्तों अब इस फीमेल के साथ में रहेगा ये वाला मेल। और दोस्तों उम्मीद है कि काफी जल्द ये मेल इस फीमेल के साथ में सेट हो जाएगा क्योंकि फीमेल बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। दोस्तों ये जो ग्लव्स है दस्ताने ये मैं यूज करता हूँ बर्ड्स को पकड़ने के लिए, जो बड़े बर्ड्स होते हैं जो कि काट सकते हैं। और यहाँ दोस्तों जो नीचे के दो पिंजरे हैं यहाँ पर हमने अभी तक बर्ड को सेट नहीं किया है। यहाँ दोस्तों जो ब्रीडिंग पेयर होगा उसी को सेट करेंगे, नया जोड़ा यहाँ पे सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ हल्का सा थोड़ा सा अंधेरा रहता है इन पिंजरों के मुकाबले। यहाँ काफी अच्छी रोशनी रहती है दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ, तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे ग्रे की फीमेल है और यहाँ दोस्तों ये वाला मेल है, जो पर्ल है ये वाला मेल है। दोस्तों यहाँ कुछ ऐसा है कि पर्ल जो होता है ये पर्ल पाइड है दोस्तों। पर्ल में दोस्तों मेल काफी कम देखने को मिलते हैं, ग्रे में फीमेलें काफी कम देखने को मिलती है। ये आप देखें इस तरह के अधिकतर हमें मेल ही देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों आपने देख लिया जोड़ा, काफी शानदार कलर का मेल है दोस्तों, काफी एक्टिव है, काफी फिट है। और इसके साथ दोस्तों जो फीमेल है ये वाली फीमेल, ये आप देखें दोस्तों फीमेल भी काफी बेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जोड़ा काफी जल्दी हमें ब्रीडिंग रिजल्ट देगा। और सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट जोड़ा ये वाला दोस्तों, ये आप देखें इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का ही साइज काफी अच्छा है, काफी दोस्तों फ्रेंडली है ये जोड़ा, मुझसे ज्यादा डरता नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों आप देखें यहाँ पर क्रीम की फीमेल है, क्रीमिनो फीमेल है दोस्तों, इसमें येलोपन ज्यादा है लोटिनो टाइप में। और इसका दोस्तों जो मेल है वो है ग्रे का, तो काफी अच्छा जोड़ा है दोस्तों, ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ आप देखें ये जो मेल है जो स्टिकों पे भाग रहा है, ये एक टाइम में मेरा हैंडटेम मेल हुआ करता था, ठीक है। और जब से दोस्तों इसको मैंने ब्रीडिंग पे सेट किया तब से अब ये हाथ पे नहीं आता। दोस्तों ये मेल काफी ज्यादा एग्रेसिव है और ये मेल जो है वो दोस्तों बॉक्स में भी जाता है। आप देखें बॉक्स का सुराग हमने ठीक लकड़ी के ऊपर ही रखा है, स्टिक के ऊपर ही रखा है। और इसकी जो फीमेल है वो दोस्तों पर्ल की फीमेल है, आप देखें फीमेल का साइज भी काफी अच्छा है। और उस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोस्तों एल्बिनो का जोड़ा है, तो वो भी आपको दिखाता हूं। उससे पहले देखें दोस्तों ये नीचे का जोड़ा, यहाँ दोस्तों आप देखें ये पाइड का जो है ये मेल है, जो उस तरफ है वो फीमेल है और इस तरफ जो है ये मेल है। दोस्तों आप देखें फीमेल जो है वो सीड के बर्तन के ऊपर जाकर के बैठ चुकी है। और उसी तरफ दोस्तों अगला जोड़ा जो है वो भी एल्बिनो का है, यानी कि एल्बिनो के दो जोड़े हैं हमारे बर्ड सेटअप पर अभी। दोस्तों आप देखें एक जोड़ा ये है एल्बिनो का और एक जोड़ा दोस्तों ये है नीचे के इस पिंजरे में। और दोस्तों उस तरफ जो फाइबर सीट लगी हुई है उसका बेनिफिट ये है कि रोशनी तो काफी अच्छी रहती है, प्राइवेसी भी रहती है। दोस्तों ये आप देखें जोड़ा थोड़ा सा डरता जरूर है लेकिन जोड़ा काफी अच्छा है। दोस्तों आप जब भी कॉकटेल बर्ड के सेटअप पर आए तो एक बार थोड़ी सी सीटी जरूर बजाएं, उस समय जो भी मेल होंगे वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे और बर्ड्स जो है वो आपकी पहचान भी कर लेंगे कि भाई कौन आया है, अचानक से डरेंगे नहीं। तो इस तरह से करना चाहिए जब भी हम कॉकटेल बर्ड के सेटअप पर आ रहे हैं, तो अचानक कभी भी ना आए, कॉकटेल बर्ड्स को अलर्ट करने के बाद ही आप कॉकटेल बर्ड के सेटअप पर आए ताकि कॉकटेल बर्ड्स आपसे डरे ना। दोस्तों ये आपने देखा कॉकटेल बर्ड का सेटअप और ये फिंच बर्ड का सेटअप, तो बर्ड सेटअप आपसे देखो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मेल के द्वारा विजनिंग की जा रही है, ये आप देखें दोस्तों ये वाला मेल है जो विजनिंग कर रहा है वो मेल ये वाला है। और ये जो मेल है दोस्तों ये आप देखें ग्रे का मेल है, ग्रे पर्ल। और दोस्तों इस सेटअप से निकलने के बाद से ये हमारा बाहर का सेटअप, बजीज पैरेट की कॉलोनी, ये कुछ सेपरेट केजेस और यहाँ पर भी बजीज पैरेट है और यहाँ पर कॉकटेल बर्ड है, बजीज पैरेट है, ये फिंच का पुराना सेटअप है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।